हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ध्रुव है मेरा भाई, ध्रुव से हाय। अभी हम लोग सुबह के 5 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं कुंडमाला जो पुणे से बहुत नज़दीक, एक बहुत सुंदर सी जगह है जो बहुत ही अंडररेटेड है एंड ज़्यादा ट्रैवल बाय नहीं है। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट विजिट इट। अभी करंटली एक्चुअली ध्रुव का एक फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ चल रहा है, एक्चुअली 2 फ्रेंड है, तो उन दोनों में से एक का वेट कर रहे हैं, वो आ रहा है अभी। तो उसका नाम नकुल है एंड इधर ही है, स्कूटी के साथ सो जाता। पेट्रोल नहीं, बीच पेट्रोल डलवाना है। लास्ट ईयर में मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे मॉनसून के लिए, बट उनमें से मुश्किल से 3 ही डेस्टिनेशन कवर हो पाई है जिनमें देवकुंड, जीवधन एंड कानिफनाथ शामिल थे। हाउएवर दिस ईयर मैं ट्राई करूंगा कि मैं और भी ज्यादा जगहों का एक्सप्लोर करूं एंड उनको अपने व्लॉग्स का पार्ट बनाऊं। और इसी जर्नी की शुरुआत मैं करने वाला हूँ कुंडमाला से। राइट, पेट्रोल की खोज में हम लोग और आगे बढ़ने लगे। एक्चुअली हम लोग काफी सुबह निकले थे एंड मोस्ट ऑफ द पेट्रोल पंप सुबह नहीं खुलते हैं, उसके लिए हमने बहुत सारे जगह ढूंढे बट हमें कहीं मिल ही नहीं रहा था। अभी हम लोग पेट्रोल डलवाने आए थे क्योंकि मेरा पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा कम है एंड मुझे लगता है कि शायद अगर हम इसी वे में कंटिन्यू करेंगे तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है हाईवे में। तो हमने सोचा पेट्रोल डलवा दें, बट यहाँ पर अभी बंद ही है ये पूरा। हमारा सनराइज मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है, कोई नहीं। पेट्रोल खत्म होने का थोड़ा तो डर था लेकिन सुबह का मौसम इतना सुहाना था, वही डर हवा की तरह कहीं उड़ गया। भाई साहब, ये जो फुल टंकी का जो सेटिस्फेक्शन है ना वो मैं पता आपको बता नहीं सकता कितना ज्यादा है। हमें पेट्रोल पंप मिल गया था, पेट्रोल पंप में हमने पेट्रोल डलवा लिया। अभी और कोई टेंशन नहीं है, अभी आराम से जाएंगे, आराम से घूमेंगे फिरेंगे। हाँ, डेफिनेटली लेट तो हो चुका है, अभी जैसे कि 6:15 हो रहे हैं, हमें 6:15 तक पहुँचना था। हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं नो डाउट, बट ठीक है, कोई नहीं। मौसम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो रहा है, मौत सही में बहुत, मतलब क्या बताओ, आप देख सकते हो यहाँ पे, पता नहीं कितना कैप्चर कर रहा है सीन, बट इतना ज़्यादा सुंदर है। हवा चल रही है यहाँ पे ठंडी, और यहाँ पे जैसे बादल जा रहे हैं, सही है यार, एकदम पैसा वसूल है। अभी हम लोग चलेंगे, ध्रुव और ध्रुव के दोस्त वॉशरूम गए, उनको वॉशरूम जाना था। ठीक है, अभी थोड़े टाइम में आपसे मिलता हूँ। कुंडमाला जो पुणे से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स की दूरी पे है इज अ हिडन जेम। एंड अगर आप पुणे में रहते हो एंड यू लुकिंग फॉर अ परफेक्ट वीकेंड गेटअवे जहाँ पे आपको नेचर का एक बहुत ही ज्यादा सीनिक व्यू मिले, देन कुंडमाला इज द प्लेस यू नीड टू चेक आउट। रेनकोट लाया हो तो? हो जाएगा। अपडेट, बहुत तेज बारिश हो रही है, जादू लग रहा है कोई मिल गया, बहुत तेज बारिश आ रही है यार, सीरियसली। तो पहला ट्रिप भी ऐसा चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बारिश हो रही है। मैं सोच रहा हेलमेट पहनूं या ना पहनूं, मेरा मन तो नहीं कर रहा हेलमेट पहनने का, बिकॉज आई नो इट्स लिटिल रिस्की, बट मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। महाराष्ट्र में यूजुअली मॉनसून जून के एंड तक शुरू हो जाता है एंड टुडे इज July 1st, तो हमने मॉनसून की शुरुआत काफी अच्छी की है। एंड इवन तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे बिकॉज हम लोग ऑलरेडी लेट थे, but we couldn't stop ourselves from stopping from one place to another because of the scenic view and we couldn't stop ourselves from capturing the moment. अभी हम एक क्विक ब्रेक के लिए रुके हैं, मौसम बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है, लाइक July 1st है आज एंड जुलाई का फर्स्ट डे हम लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मानसून का पहला ट्रिप है मेरा, ये नोमैड विद द ब्रश का पहला ट्रिप है एंड बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो व्यू। एंड बारिश बहुत तेज हो रही है लेकिन अब क्या बताऊँ, एडिक्शन है कुछ मुझे इस चीज से, मैं विदाउट हेलमेट चला रहा हूँ। आई नो इट्स रिस्की, आप मत चलाओ, नो आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू, बट हाँ मुझे इंटरेस्ट है। बाकी मैं, मेरे भाई और भाई के दोस्त सभी अभी लोग यहाँ पे फोटोज क्लिक कर रहे हैं, वहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है उन लोगों का, आप देख सकते हो, बहुत मस्त मजा आ रहा है यार, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अगर आप मानसून में घूमने नहीं आए बारिश में, वो भी भीगते हुए, तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, बिकॉज दिस इज द जन्नत, लाइक अभी भी बारिश हो रही है, आप देख सकते हो भाई। आ जाओ भाई,
चलो यार हेलमेट निकालना भूल गया। आप अपने मेरे वीडियो कर रहे हो ना, ठीक है चलो भागो मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ मॉनसून में 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन कुंडमाला। भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्रिज के ऊपर पानी है, ब्रिज के नीचे भी पानी है। ओ भाई साहब, आराम से चलना, रुक जाओ। आदर्श कैसा लग रहा है? बाली नहीं है यार, माय गॉड आवाज ही नहीं आ रही होगी इतना, क्या बताओ यार। दिस इज लाइक द मोस्ट वंडरफुल प्लेस नियर पुणे। अगर आप यहाँ पे घूमने नहीं आए तो प्लीज जस्ट यहाँ पे आ जाओ, आके आओ, कैसे भी आओ, इतनी सुंदर जगह है ये। अभी तक हमें कभी पता ही नहीं चला ये यहाँ पे पुणे कितने नजदीक है। और दिस इज द मेन व्यू, यहाँ पे डेंजर बहुत ही ज्यादा है, तो अगर आप आ रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ के जो ब्रिज है वो भी उतने ज्यादा अच्छे कंडीशन में नहीं है। जैसे अच्छे कंडीशन में ना होने की वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो अगर आप आ रहे हो तो बी वेरी केयरफुल एंड फालतू में यहाँ पे घूमो मत। तो सुंदर व्यू आप देख सकते हो यहाँ पे, आई एम जस्ट मेस्मराइज्ड एंड आई स्टिल कांट बिलीव कि ये जो जगह है ये पुणे के इतने नजदीक है। बहुत ज्यादा अच्छी जगह है, अगर आप पुणे में हो और आपको एक वीकेंड गेटअवे चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे गाड़ियां भी आती है, बाइक जैसे आप पीछे से देख सकते हो, बाइक आ रही है। अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो तो मेक श्योर कि उनको अपने पास ही रखो, बिकॉज यहाँ पे पानी बहुत तेज बह रहा था। अगर कोई गलती से भी यहाँ पे गिर गया ना तो वो पता नहीं कहाँ पहुँचेगा, तो मेक श्योर आप अपने लव्ड वंस को अपने आसपास ही रखो। यहाँ पे आपको कुंडमाला मंदिर भी मिलेगा जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो, एंड ये पूरे जगह का नाम इसी मंदिर के ऊपर है। हमारा फाइनली पूरा यहाँ पे कुंडमाला पूरा घूमते हुए हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खरीद, ये एक छोटा सा होटल है, यहाँ पे आपको नाश्ता वाश्ता मिल जाएगा। एक बहुत सीनिक सा व्यू है रास्ते में हमें मिला था, वहाँ पे हम लोग बैठ के खाएंगे। एंड इवन दो दिस इंटायर प्लेस वॉज मेस्मराइजिंग एंड काफी ज्यादा सुंदर था, एक चीज ऐसी थी जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी एंड इट वॉज माई फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द इंटायर जर्नी। चेक दिस आउट, Wasn't it so adorable playing around with your dogs? आप अपने pets को भी यहाँ पे ला सकते हो, but again मैं ये कहूँगा कि make sure to check the weather forecast, because अगर पानी बहुत ज़्यादा है, there could be a chance of danger, so सोच समझ के plan करिए यहाँ का trip। बैठ जाओ भाई, दूर बैठ। कैसे बैठेंगे? लग रहा दारू पी रहे हैं। मैं इतना निकाल रहा हूँ। बैठो ना चारों circle में। क्या सीन है? इधर बैठ जाना। शहर के शोर शराबे से दूर नेचर के इतने पास जहाँ पे आपको पानी की आवाज सुनाई दे, ऐसे माहौल में अगर आप एक कप चाय ऐड करते हो तो जन्नत की एक छोटी सी झलक आपको भी मिल सकती है।
ओके सो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर मैं गया था जीवधन अपने दोस्त अर्जुन एंड अरविंद के साथ, एंड उससे पहले मैंने जितने भी ट्रैक्स किए थे वो काफी ज्यादा इजी थे या मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन अगर आपको जीवधन के बारे में पता होगा तो जीवधन इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट ट्रैक्स इन महाराष्ट्र, ये टॉप 10 के लिस्ट में भी आता है। एंड इवन दो आई हैड हाइट फोबिया एंड आई स्टिल ट्रैक जीवधन, हाउएवर मेरे जो शूज थे वो उस पूरे जर्नी में 3-4 बार स्लिप हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई डिड नॉट कंटिन्यू ट्रैकिंग लास्ट ईयर। अभी भी जब मैं पानी क्रॉस कर रहा था या मैं पत्थरों के ऊपर से चल रहा था तो मुझे एक अनसर्टेन सी एंजाइटी फील होती थी, सो व्हाट इफ आई स्लिप। बट थैंक्स टू माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स, दे हेल्प मी आउट एंड दे अंडरस्टूड माई कंडीशन, एंड दैट्स द रीजन मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं अपने इस फेयर को टैकल करना चाहता हूँ एंड आई डेफिनेटली शेयर ऑल माई जर्नी ऑन दिस चैनल विद यू गाइस, टू स्टे ट्यून टू सी मी ओवरकम माई फियर ऑफ हाइट। बट टिल देन लेट्स एंजॉय दिस व्यू। मेरी आवाज आ रही होगी यहाँ पे, एंड ये लास्ट रिलैक्सेशन के लिए हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। ओए आदर्श So that was it guys, I hope you enjoyed this video. If you did, give this video a big thumbs up, subscribe to my channel Nomad with a Brush, and follow me on Instagram for more updates, and I'll meet you guys next time with another adventure, another vlog. Till then, stay tuned. Bye.